और एक वजीफा और देता हूं, पैसों के लाल के आजकल लोग बहुत परेशान हैं, हर फर्ज नमाज के बाद 7 मरतबा लैला फी कुरैशिन पढ़ लिया करो और 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लिया करो हर फर्ज नमाज के बाद, देखो अल्लाह ताला कितना देता है इंशाअल्लाह। एक बात ये, दूसरा कि जो पैसे आप गिनो ना, जो पोटली होती है ना जिसे पैसा रखते हो 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, या तुम्हारा दज्जाली कार्ड होता है ना, दज्जाली कार्ड समझ गए, MTNL कहते हैं कि ATM कहते हैं पता नहीं, वो बच्चों के पास होता है, मैं कहता अब्बा आदमी रखो यार मुझे क्या ज़रूरत है भाई, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़रूरत अल्लाह पूरी कर लेता है। उस पर भी एक मरतबा आप इतना आते ना कल को सिर्फ पढ़ के दम कर दोगे इंशाल्लाह, बैंक में से पैसे ख़त्म ही नहीं होंगे इंशाल्लाह। जब भी पैसा गिनो ना, जैसे पैसा गिनते अंदर रखते हैं, तो एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ के दम कर दो, बहुत मुजर्रब है, बहुत मुजर्रब, सलफ सालिहिन का मामूल था। और 3 नसीहतें बात ख़त्म करता हूँ, या आलमो सिर रखो, तुम्हारे बातिन को अल्लाह जानता है, वजह रखो तुम्हारे जाहिर को जानता है, वया आलमो मा तकसिबून जो तुम करते हो वही मालूम है, और आखिर भी क्या लिखते थे, वह हुआ महाकुम इनमा कुंतु, वो तुम्हारे साथ है जहां पर भी तुम हो। ये 4 चीजें अपने दिल में बिठा लो, हमारे बातिन को जानता है, हमारे जाहिर को जानता है, जो कुछ हम करते हैं वो भी उसको मालूम है, जहां हम हैं वो सब हमारे साथ है, इसलिए उस यकीन के साथ जिंदगी गुजारो। इसके लिए हम अल्लाह के रास्ते की भी तश्कील करते हैं, दुआओं का एहतमाम करने की भी तश्कील करते हैं, और कोई नमाज हमारी जाए नहीं होनी चाहिए। फजर की नमाज अगर कोई नहीं पढ़ेगा, शैतान कान में आकर पेशाब कर जाएगा, ये सही हदीस है। फजर की नमाजों का एहतमाम करो। एक साथी था मुझे कहता था कि मौलवी साहब जो है मैं जब भी जो है ना फजर की नमाज के लिए कजा होती है कोई मुझे याद आए ना आए, आप मुझे याद आती हो। मैंने कहा क्यों? बोले कि आपसे ये हदीस सुनी है कि फजर की नमाज जो नहीं पढ़ता कजा करता है शैतान कान में आकर पेशाब कर जाता है। तो मैं यूं करके साफ करता हूँ, ये करके। मैंने कहा ऐसे साफ नहीं होगा,